शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ए परेश, क्या है? आधा कप चाय के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ बे, तू पत्ती काटने आसाम जाता है या गाय का दूध लेने तबेले में? जल्दी क्या है, शाम तक तुम लोग यही कुर्सी पे पकाने वाले। चल। कोई लड़की बाहर में भगा लिया जा रहा है। लड़की रो रही थी, हाथ पैर मार रही थी, साले थे। आराम करो ना मोटरसाइकिल। ये गाड़ी रोक, बे चल्ला गाड़ी रोक, अबे रुक, 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 खाता निकाल, हिसाब किताब कर ले। हाँ बोल, कहाँ से कितना? ये सब्जी वाले पांडे का 1000, ऊपर से 1500 ब्याज, इसको खत्म कर दे। क्या? अरे इसका खाता खत्म कर दे। और ये दया कसाई का 3084.50 रुपया। और हाँ हाँ देख, ये चपरासी सतीश के 8000 हैं, लेकिन इसको लेन देन की बही में नहीं, इसको रिश्वत की बही में डाल। इसे मैनेजर की तरक्की चाहिए। अरे इसमें 102 रुपया कम है। अच्छा तो मुझे क्यों दम देता है? ये पैसा इस चांडाल का है, तेरा थोड़ी है। तू कागज चल, उंगली चला, मेरे मामले में उंगली मत कर। एक तो साला पुलिस की पगार लेता है, ऊपर से रिश्वत खाता है, और उतार जैसे चढ़े ब्याज उसको चलाता है। मतलब बकरा बकरा हजम और बकरी पे दम। ये नरक तो जाएगा ही, और साथ में गले में लटका के ले जाएगा क्या पैसा? ये कौन जाएगा? कौन ले जाएगा मेरा पैसा? अरे साहब, मारू ने 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपए कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? वसूली करने गया था तो 60 रुपया ऑटो का आने जाने का। ऑटो जान से मार लूंगा। पैसे दिए ठीक है, हाल पटाखे का और शौक नवाबों के। मेरी बहन ने हाथी जैसे पैर दिए हैं मुफ्त में, तो वो गले में टांग कर सड़क पे भीख मांगने के लिए नहीं। बाकी के पैसे कहाँ गए? कहाँ गए बाकी के? धमकाने में जरा जोर आया, उसके लिए नाश्ता कर लिया। नाश्ता? 1 केले का 2 रुपया, कटिंग चाय का 2 रुपया होते हैं 4, बाकी के पैसों से दिवाली मना रहा था तू? सुन चौधरी, 1 हफ्ते के लिए इसका खर्चा पानी बंद। मर जाऊंगा मामा। हवा बंद नहीं की है मैंने तेरी, नौटंकी कहीं का। चल पान के गले पे बैठ। पान? और सुन, गिन के रखे हैं पान, एक भी पान चबाएगा तो मैं तुझे चबा जाऊंगा। और सुन, कल से वसूली पे तू जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे रुदाली की डिंपल बन के क्यों आया? किसने मारा? अरे तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोल किसे मारा, साले की खाल उधेड़ देंगे। बोल। अबे नाम तो बता। मामा। मामा ने मामा तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है। जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते, तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। अबे नहीं करते मतलब क्या? अबे जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबा रहे हैं। बात करता है कमीना। मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना? ये तो अच्छी बात है ना? अबे काटना मत। मेरी किडनी बेचने निकला था वो। निकाल ली वो तो पीठ दिखा के मैं भाग गया। अब देखना साला, तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना।
मुझसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना, कुछ बोलो तो बोल दिया, और भी कुछ बोलूं? अबे देख 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 कौन है, मामा कौन है, हीरो आया, ये शूटिंग है क्या, ये बोल ना। ये तेरा मजनू दोस्त है ना? हाँ। घर आया था अपनी लैला के साथ। अरे गोपी, ए हाय हाय। अरे तू यहाँ? मेरा ऑफिस ऊपर ही है यार। ओ यहाँ पे? बाय द वे, हाँ हमारी शादी हो गई यार। अरे अरे, ये गाड़ी भी तेरी है यार, तेरे को ये खजाना मिला कहाँ से यार? ससुर से। अरे वो तो तुम्हारी जान के पीछे था। हाँ। शादी के बाद बदल गए, अब उनका कारोबार भी मैं ही देखता हूँ। कमाल है यार, तेरा ससुर आदमी है कि सिक्का, इतनी जल्दी पलट गया। एक बार शादी हो गई फिर किसी भी माँ बाप के पास क्या चारा रहता है, उन्हें मानना ही पड़ता है। वेल, कभी तुरंत तो कभी नाना नानी बनने के बाद, लेकिन वो पिघलते जरूर हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट पक्या, चल मिलते हैं। ओके बाय गाइस। बाय बाय। इसे कहते हैं कुंडली के सारे घर सर पे सवार होना। अबे ये कुंडली उंडली सब बंडल है यार, हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मर्दा। हाँ वही बंदा। और वैसे भी इस थकेले गोपी ने कौन सी हिम्मत कर ली? अबे अमीर लड़की को पटाने की, भगवान ने उसका साथ दिया ना, देख उसकी लाइफ 7 स्टार हो गई। मतलब हमें भी एक चलना आधी अधूरी अमीर लड़की मिलेगी तो हमारी भी निकल पड़ेगी। हाँ लेकिन लड़की टपकेगी कहाँ से, आसमान से? अबे खटमल खटिए पर बैठे बैठे ठेंगा कुछ होने वाला है, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी, फिर देख। वो जरूर एक सही लड़की टपकाएगा आसमान से। क्या हुआ? हमारे पड़ोस में आग लग गई। नहीं आग नहीं लगी, एक ढिंचक पटाखा आया है। क्या सच? कौन? एक दादी और एक दादा भी है। तो दादा फटाका है? नहीं नहीं, वो फोड़ डालूंगा साले। अबे पोती भी है, सोए सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम चेहरा, हीरे की आंख में जैसे मैंने देखा तो भागते 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 सांस भूल गई, लेकिन तुम लोगों के पास आ गया। क्या बात है, मतलब जिसे ढूंढा गलियों में पकिया में वो मिली घर की खटिया में, क्या बात है मारू। जैसे मैंने देखा तो सोचा तुम लोगों को बता दूं। भाई मेरे दरवाजे पे तो धनलक्ष्मी सीटी मार रही, तुम लोग अपना अपना देख लो। कर, लड़की की तलाश में साथ थे, अब पटाने में भी साथ रहेंगे। हाँ। लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी, लड़की एक और हम चार। अबे तो क्या हुआ, बचपन में एक ही पतंग के पीछे हम लोग भागते नहीं थे टैनी? हाँ। लेकर बस वैसे ही मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। हाँ। हाँ। बाकी हाँ। के फूट लेंगे बिना तकरार के। बोलो मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। मेरे को देखने दो, दिख रहा है क्या चेहरा, दिख रहा है? अबे चेहरे की किसको पड़ी है, बाकी मस्त है। ये बायनोक्युलर मेरा है, देखना है तो दूसरा खरीद कर लाओ। अबे अरे यार, इसकी और मेरी जोड़ी क्या बनेगी यार। हवा में नजर चिपकाए क्या हो रहा है? आ? नहीं नहीं, अब हम लोग को लगा उधर कोई चोर उचक्का घुस गया, इसके लिए हम लोग खाली देख रहे थे। मां कसम, वहाँ चोर उचक्का कैसे घुस सकता है, बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो यहाँ रहते हैं। नहीं ये बंदे ऐसे नहीं है चाची। अबे मैं तेरी बात करी, बार 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 बाहर निकलो, बारो। चौथा कहाँ है? आ रहा है। कब से मुझे नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखा है, आज पैसे देंगे कल अमीर हो जाएंगे, हैं? अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, अभी मेरे चार आदमी आके तुम्हारा कचरा बाहर फेंक देंगे, समझे ना? फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह लो या तो फिर बीच सड़क पे, तुम जाने और तुम्हारे कूड़े लग जाएगा। ये रहा आपका पैसा। ये क्या, इस महीने का किराया कहाँ है? ये महीना खत्म कहाँ हुआ है? ठीक है। अबे तू पैसे कहाँ से लाया? वो दुकान का बचा था। तुम्हारे पापा अफगानिस्तान में ना? हाँ। तो वहाँ तो जंग चल रही है। हाँ। सारे इंडियंस अपने घर वापस आ गए हैं, एक तुम्हारे पापा को छोड़कर, मालूम है क्यों? क्यों? इसकी वजह से। वो गई किधर? एक मिनट। अबे अबे हटना, मुझे भी देखना है। मारू रुकना। शहदाई दिल मेरा
चिंगाड़ रहे थे लोमड़ी हो हैं? क्यों ऊपर से बेताल तांडव कर रहा होगा मेरे सर पे जब मैंने तुम्हें घर दिया। न दिन में चैन न रात में शांति। अबे निकम्मो, खुद तो घूमते रहते हो, जुल्फे उड़ाते लेकिन बाकी दुनिया तो काम करती है ना, उसे तो सोने दो। मेंढक टटरा रहे कान में कब से, अगर दांत पे दांत पजने की भी आवाज आई ना तो चुटकी में गर्दन पकड़ के कूड़े में फेंक दूंगी मैं। इसकी तो देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ नेक लड़का चाहिए। लेकिन पंडित जी कुछ खुलकर हमें आपके बिजनेस के बारे में नहीं बता सके। आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया? क्या बताता? संजना एयरवेज। हाँ हाँ, संजना एयरलाइंस। संजना टेक्सटाइल्स। हाँ, संजना टेक्सटाइल्स। काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है, अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं सर, एक नहीं दो दो, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये पार्टी भी नहीं सर, बहुत बड़ी खुशखबरी है सर, आपके तो एक फोन ने काम कर दिया सर। वो जो धनसुख ज्वेलर का मर्डर केस आप पर चल रहा था ना सर, वो खत्म हो गया सर, गवाह भी जान गया सर कि अगर उसने आपके खिलाफ गवाही दी तो आप उसके पूरे खानदान को उड़ा डालेंगे। और बिल्डर ने भी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है, सेटलमेंट करना चाहता है सर। सर 2 करोड़ रुपए तो दे दिए हैं, बाकी के 3 करोड़ कल कोर्ट में देने वाला है सर। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। संजना बेबी का रिश्ता लेके आए थे। अरे कहाँ से आए थे, घेर घार कर मुंबई से बुलवाया था, 100 झूठ बुलवाए थे तुमसे जी। भला इस शहर में ऐसा कौन सा अच्छा खानदान बचा है जिसने हाथ पर जोड़कर हमसे इनकार न किया हो। सॉरी सॉरी सर, मैं तो एक्साइटमेंट में आकर। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। ए वल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस 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 हो गया। अब बता क्या करूँ तेरा। मैंने तो सोचा कि दो दो गुड न्यूज मैं आपको दूंगा तो आप मेरी तब कीजिए। सर 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 मुझे माफ कर दो सर, कंट्रोल कंट्रोल। भाई साहब क्या हुआ, कोई हिलेगा नहीं, बाहर निकल निकल। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, फ्रीज। भाई साहब क्या हो रहा है, देख नहीं रहा, हमारे भाई फोटो बना रहे। भाई अरे भाई साहब ये कोई तरीका है क्या एक्सीडेंट करवा के पेंटिंग बनाने का, कौन है आपका पागल भाई। सॉरी 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 सॉरी। अरे बाप रे, ये तो मजनू भाई है। कौन मजनू भाई, बहुत बड़ा डॉन है भाई। बहुत लकी है तू, जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ गन नहीं उठाता, वरना गया था आज तू। नहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि गाड़ियों का एक्सीडेंट कराने की क्या जरूरत थी, जबकि पेंटिंग एक इमेजिनेशन का काम है। फालतू पेंटर बनाते होंगे, मैं तो डायरेक्ट बनाता हूँ आंखों देखा, इंग्लिश में बोले तो लाइव पेंटिंग। पिछले हफ्ते पुल पर लोगों को रोक रोक कर पूछ रहा था तैरना आता है, जिसने हाँ कह दिया उसको उठा के नीचे फेंक दिया। तैरते हुए आदमी की तस्वीर बनानी थी ना भाई को। ए, हिल मत, नहीं तो कमती हो जाएगा,
हमारे भाई की फोटो खराब हुई ना तो तेरे बीवी बच्चे रोते नजर आएंगे। इसके बीवी बच्चे नहीं है, ये लोग भी है। हाँ, इसकी शादी नहीं हुई अब तक। हाँ तो शादी करनी है नहीं करनी? हद हो गई है गुंडागर्दी की, कार्टून बना के खड़ा कर दिया शरीफ लोगों को। हिम्मत क्या? I'm slipping. Slipping? Not sleeping, stupid. Slipping, slipping. फिसल रहा हूँ मैं। ये शरीफ शाने की कुंडली चाहिए मेरे को। Immediately. जब से बुटीक खोला है एक बार भी हिसाब नहीं दिया तुमने। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ बस। जाओ, मैं जब भी हिसाब किताब की बात करता हूँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर की याद आती है। उड़ाओ मेरा पैसा। हेलो, और गंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? चार खोखे जल्दी से ढीले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोखे नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़, और वो भी चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी, जला डालूंगा अभी। जानता ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई, मजनू भाई, नाम सुना है ना मेरा? हाँ सुना है ना, तूने तो अभी दो बार बताया, मजनू भाई बोल रहा हूँ, मजनू भाई। तो मैं क्या करूँ रे? अबे ओ शाने पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ हफ्ता, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक काम कर, तू चार खोखे लेकर, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ, और अगर चार जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। तेरे को भी मजनू से लैला नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी डॉक्टर घुंगरू नहीं। चल फोन रख। यार ये तो मेरी माँ है यार। अरे रुकिए तो सही महाराज, अरे सेठी साहब के बारे में कुछ बताना है आपको। अरे तुम क्या बताओगे पंडित, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, वो इंसान नहीं भगवान है, भगवान। अरे आप लोग यही मिल गए, आजा पंडित आजा आजा, आज का दिन ही बड़ा शुभ है। अरे दिन खराब चल रहा है, बता रहा है हम आपको। क्या बात है अंकल, आज बड़े मुस्कुरा रहे। अरे ऐसी जगह रिश्ता तय करके आया हूँ भांजे, सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्यों पंडित जी बताइए। माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट मैन यार शेट्टी साहब, सच पूछो तो शराफत की गंगा तो उनके बंगले से ही बहती है। शराफत की गंगा नहीं बहती है, खून की नदी बहती है। गोलियों से सुबह की शुरुआत होती है, गोलियों की गूंज से सरजी, और रात में जब तक 10-12 को लुड़का ना देना, खत्म नहीं होती रात उनकी। क्या बकवास कर रहे हैं? मां कसम, शेट्टी साहब डॉन है। डॉन? हाँ। गॉडफादर? परमात्मा? मजनू और शेट्टी साहब दोनों ने मिलकर फंसाया आपको अपनी बहन के लिए, समझते नहीं। I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। तेरी तोड़ दिया। भगवान अब क्या होगा मामा जी? मेरी किस्मत खराब है। क्या करूं मैं? समान, समान। अरे क्या हुआ मामी? अरे मामी को छोड़ो। मामा कहाँ है? मामा मामा कहाँ है? क्या कर रहा है?
को टो कर रहा हूँ मामा जी। कुमार, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, अरे गाड़ी रोक। ये देखो, उदय शेट्टी, भगवान, एक तुम्हारा भांजा है जो एक लड़की को पता नहीं सकता, और ये उदय शेट्टी जो बार बार फोन पे फोन कर रहा है, समझ में नहीं आता क्या करूं मैं इसका। भगवान से प्रार्थना के सिवा और क्या कर सकते हैं हम लोग। हे भगवान, कुछ मदद कर। मैं कैसी मदद कर रहा है ये? अरे ये कहाँ चली गई? सुनिए, अरे अरे सॉरी संजना की फिक्र मत कर, उसकी सहेलियां है उसके साथ, वो ख्याल रखेगी उसका, तू वापस आ जा जल्दी। ये घुंगरू सेठ की तुम है, ये जूता ना गिरे पास। चलो पिकनिक ओवर। एक कौन है बे? अबे ओ बिना पेड़ के फल, सुसाइड करना तो सीधा टपकना या मैं टपकाऊं? जूता फेंक कर क्या गहराई नाप रहा है? अब तू क्यों हाथ में पकड़े खड़ा है, पानी में फेंक दे। Somewhere else.